यह मॉड्यूल पूरा करने के बाद आप निम्न कर सकेंगे: डायरेक्ट मेजरमेंट में चेनिंग की भूमिका बता सकेंगे और चेनिंग के लिए उपकरण पहचान सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब है क्षेत्र की सतह पर मापने के उचित उपकरण इस्तेमाल करके दूरियों के भौतिक मापन। आपने यह भी देखा है कि सर्वे करने में रैखिक दूरियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दो उपकरण चेन और टेप हैं। टेप खेतों और हाउसिंग प्लॉट्स के आयामों जैसी छोटी दूरियां मापने के लिए पसंदीदा उपकरण है। लेकिन मान लें कि बहुत बड़े क्षेत्र को मापना है, तब क्या आपको लगता है कि टेप उपयुक्त उपकरण होगा? लंबी दूरियां मापने के लिए टेप उपयुक्त उपकरण नहीं है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक टेप की रोल की हुई पूरी लंबाई को ले जाना मुश्किल है। साथ ही यदि सर्वे की जाने वाली साइट उबड़ खाबड़ यानी कि पत्थरों, कीचड़ या घास से भरी होगी, तो इस्तेमाल करते समय टेप गंदी या खराब भी हो सकती है। इस तरह की स्थितियों में चेन बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह निश्चित लंबाई वाला मेटलिक वस्तु है जिसे फेंक कर या खींच कर जमीन पर तेजी से चलाया जा सकता है। इसीलिए डायरेक्ट मेजरमेंट में चेन की भूमिका मापन के भरोसेमंद और मजबूत उपकरण की है। इसे लंबी दूरियों या लंबाइयों, खास तौर पर मुश्किल क्षेत्रों में डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने डायरेक्ट मेजरमेंट में चेन की भूमिका देखी है। अब आइए चेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरणों पर एक नजर डालें। चेन, एरोज, पेग्स, रेंजिंग रॉड्स, प्लंब बॉब। आइए इनमें से एक के बारे में विस्तार से जानें। सबसे पहले चेन पर गौर करते हैं। चेन एक तरह की मेटलिक रोप होती है जो आपस में जुड़े कई तत्वों से बनी होती है। इसमें आपस में जुड़े तत्व कुछ हद तक खिड़की पर लगे स्टॉपर्स के आकार के होते हैं। सारे तत्व एक दूसरे के साथ रिंग्स के सेट द्वारा जुड़े हुए हैं। ये रिंग्स चेन को लचीलापन देते हैं। चेन के दोनों छोर देखें, उनमें पीतल के हैंडल्स और स्वाइवल अर्थात चूल पर घूमने वाले जॉइंट्स लगे हैं। यह यंत्र रचना चेन को मुड़ने से बचाती है। चेन में टेलीज नामक मार्कर होते हैं। टेलीज पत्ती के आकार वाले पीतल के बने टुकड़े होते हैं जो चेन पर नियमित अंतराल पर टंगे होते हैं। टेलीज को गिनकर चेन के भाग जितनी दूरी मापी जा सकती है।
आइए अब एरोज के बारे में जानते हैं। एरोज लगभग 40 सेंटीमीटर लंबाई और 4 मिलीमीटर मोटाई वाली छोटी रॉड्स होती हैं। एरो का एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा लोप के आकार का होता है। एरोज को जमीन पर पॉइंट्स की निशानी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां चेन की लंबाई खत्म होती है। आइए अब पेग्स के बारे में जानते हैं। पेग्स बार के आकार वाले लकड़ी के बने टुकड़े होते हैं। उनका एक सिरा पतला होता है, इसलिए उसे जमीन के अंदर डाला जा सकता है। पेग्स लगभग 18 सेंटीमीटर के होते हैं और सर्वे स्टेशनों की स्थितियों की निशानी लगाने के लिए ग्राउंड के अंदर डाले जाते हैं। आइए अब रेंजिंग रॉड्स के बारे में जानते हैं। रेंजिंग रॉड्स लगभग 2 या 3 मीटर लंबे खंभे होते हैं। लोहे का नुकीला सिरा रॉड्स का निचला सिरा होता है। सर्वे लाइन में कुछ मध्यवर्ती पॉइंट्स बनाने के लिए रेंजिंग रॉड्स को जमीन में डाला जाता है। रॉड्स पतली होती हैं, इसलिए वे लगभग 200 मीटर की दूरी से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसीलिए उनके ऊपरी हिस्से में लाल सफेद या पीला झंडा बांधना चाहिए। अंत में आता है प्लंब बॉब। प्लंब बॉब में लोहे या पीतल से बने वजन से बंधा धागा होता है। जब वजन को धागे से लटकाया जाता है तब प्लंब बॉब ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकता है। प्लंब बॉब ढलवा जमीन पर चेन इस्तेमाल करते समय जमीन पर निशानियां बनाने के लिए सहायक होता है। सारांश के अंतर्गत चेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण चेन, एरोज या पेग्स, रेंजिंग रॉड्स और प्लंब बॉब है। इस मॉड्यूल में आपने सीखा है कि डायरेक्ट मेजरमेंट में चेन की भूमिका मापन के भरोसेमंद और मजबूत उपकरण की है जो मुश्किल क्षेत्र चाले साइट्स में लंबी दूरियां मापने में उपयोगी हैं। आपने चेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चेन, एरोज या पेग्स, रेंजिंग रॉड्स और प्लंब बॉब जैसे विभिन्न उपकरण भी देखें।